कलर टेलीविजन अपने बीच में है, जिसको विशेष रूप से मैंने भोपाल से मंगाया आपके लिए। बिल्कुल सभी असर देश की एक बहुत बड़ी कवित्री जिनका नाम होता है भोपाल से चलकर के जो पूरे देश की यात्राएं करती है उनकी अगवानी में चार पंक्तियां पढ़ता हूं। बगीचे के कई गुलाब देखो सेंट हो गए, बगीचे के कई गुलाब देखो सेंट हो गए, मोहब्बत के सब जुगाड़ परमानेंट हो गए, सरकार वाटर प्रूफ बनवाए लिपस्टिक, आशिक बिचारे पत्री के पेशेंट हो गए। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। काफी बातें कर रहे थे देवेंद्र जी ने, यह भी कहा कि वो देखने दिखाने की चीज बोल रहे थे, ये भी कह रहे थे कि आपको आपकी मर्जी की चीज आ रही है। तो देखिए मैं आप लोगों से पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत प्रेमी बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन देवेंद्र जी जो हैं इन्हीं के लक्षण खराब हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन काफी बातें उन्होंने जो मेरे लिए कही है। तो देखिए मैं भोपाल से आई हूँ, उधार किसी का बकाया रखती नहीं हूँ, यहाँ का यही चुकाए देती हूँ। जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा है तो मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, सुनो देवेंद्र के हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए, हर गीत नहीं होता है लिखने के लिए, हर चेहरा नहीं होता है दिखने के लिए, और खुशबुओं के तलाश में घूमने वालों हर फूल नहीं होता है बिकने के लिए। अरे गजब कर रहे हो यार तुम, ताली बजा रहे हो। अच्छा पहले तो मैंने कहा क्या इनको, मैं वही कर रहा था भाई साहब जो इतनी देर से कर रहा था, मैं आ रहा हूँ बोल रहा हूँ, कवि की अगवानी में बोलना तो पड़ेगा ना। अब ये मेरे को जैसी लगी लिपस्टिक जितनी लगा रखी, मैं कह रहा हूँ का आपको जो देखा वो बोला ना यार भाई साहब, पाकिस्तान का जितना 12 महीने का बजट नहीं है ना, उतने के तो ये लिपस्टिक लगा के खोके फेंक देती है। अब ये देखा तो ये बोला, गलत गलत बोला यार, दिल पे ले लिया पॉकेट में कविता। देखो दिल पे लेने वाली बात नहीं है, तुम लिपस्टिक की बात कर रहे हो, ये अलग की बात है कि तुम्हारा ये सौभाग्य नहीं है कि तुम लगाओ, वरना तुम्हारा बस चल चल ये काम भी तुम करने लगो। इन्हें लिपस्टिक के बारे में कहा था तो देखो मैंने तो कह दिया कि इनका सौभाग्य नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जिस आदमी के खुद के लक्षण खराब हो तो दूसरे के ऊपर तोहमत लगाता रहता है। मैं तो कोई लक्षण वक्षण खराब नहीं है, आपके समझने में गलती होगी, और समझने में गलती क्यों हुई उसका कारण ये है कि जाम बना तो ये मेखाने बने होंगे, जाम बना तो ये मेखाने बने होंगे, ऐसे ही थोड़ी ना दीवाने बने होंगे, और कोई ना कोई बात तो है साबिया सर तुम में, वरना ऐसे ही थोड़ी पागलखाने बने होंगे। ताली बजाओ जोरदार। अब यार उनको समझ में ही नहीं आ रही। देखिए आप लोग क्या चाहते हैं, आप गीत वजन सुनना चाहते हैं तो मैं वही सुनाऊंगी, जवाब सुनना चाहते हो तो ताली बजा के मुझे बता दो तो मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है पागलखाने नहीं बने होंगे, तो मैं इनके लिए तही कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि शाहजहां पाते रहे यहाँ तख्तो ताज, शाहजहां पाते रहे यहाँ तख्तो ताज, और हर किसी के भाग में नहीं है ये मुमताज, और तुम अपनी मोहब्बत पे इतना ना करो गुरूर, सामने खड़ी ये नूर है बैठा हुआ ये लंगूर है। लंगूर तो लंगूर तो बैठा है तो गुलाटी तो मारेगा इसे, लंगूर का काम ही आपकी तो नहीं हुई ना अभी गुलाटियां बंद चल रही अपनी, लंगूर का काम क्या है, है? गुलाटी मारना। और यहाँ क्या है कि मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो सीआई साहब खड़े हो गए उधर, देखो तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम गुलाटी मारो, अपनी हालत देखो वरना पता नहीं क्या हालत होगी। अरे नहीं हालत तो ठीक ठाक है अपनी, तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, जवाब दूं क्या सीताबाड़ी वालों, ताली बजा के बताओ फिर, तेरे इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में इतने धुएं हैं मुझे मालूम न था, बैठा था एक शाम तेरे कांधे पर सर रखकर, तेरे माथे में इतनी जुएं हैं मुझे मालूम न था। ताली जोरदार बजने की है। देखो इनका तो मैदान पूरा साफ है इसलिए।
और कुछ नहीं है, इनको तो इनकी पत्नी के जुए भी चढ़ जाती होंगी तो वो भी नजर आ जाती होगी। अरे यार गजब हो रहा है मामला। ये आदमी भोगी बैठा हुआ है, कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो सबिया जी, मेरी बात सुनो। मेरे कुछ गंजे मित्र मियां बैठे हैं और मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे मैंने बीएड किया, बीए किया, एमए किया, एमएड किया और मेरे पत्नी भी हैं, मेरे दो तीन छोरे छोरी भी हैं, मेरे बाल कहीं भी काम नहीं आए। भाई बालों का काम ही क्या है? अब मैं गंजा रहा हूँ चाहे मेरे माथे पे बाल रहे हैं, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? देखो मैंने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करी कि इनके बच्चों को, कि इनके बच्चे इनके हैं या नहीं, वो तो इनकी पत्नी जाने कि वो इनके भी हैं या नहीं। यार अपन क्योंकि देखो ये तो यहाँ का संचालन कर रहे हैं, इनके घर का कोई और कर रहा होगा ये। अरे सदिया जी तरीके की बात मत करो देवेंद्र। सुनो, अरे सुनो, ये तुम्हारे घर पे होता होगा, मेरी बात सुनो। मैं मेरे घर का संचालन दिन में ही करके निकलता हूँ। अब ये देखो जो ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर का संचालन दिन में करके निकलता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। दिन भर से तो आज हम लोग इनके घर पे थे, सारे कवि मित्र और हम लोग सब इनके घर पे थे, तो संचालन करने का मौका तो वैसे भी इनकी बीवी ने इनको दिया नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि यार झूठा है तो झूठी बातें कर ही लेते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ, देखो देवेंद्र, इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग ला इलाज होता है। इश्क का रोग मत लगाओ तुम, ये रोग ला इलाज होता है। और मैं जिस शहर से आई हूँ वहाँ तुम जैसे पागलों का इलाज होता है, इसलिए मेरे मुंह मत पड़ो, मुझे सीधे सीधे गीत। ये पागल, वो बात बात पागल तो अपन ने घोषित कराना इनको। अपन खाएंगे पागल, अपन मस्त आदमी। अभी ये कह रही थी कि हम दिन भर वहां थे, संचालन कैसे कराओगा? तो यार आंखों में से काजल निकालना ये भी तो एक कला है। और ये सीताबाड़ी वाले जानते हैं क्या मतलब आ रहा है? यार सीताबाड़ी वालों के बारे में कुछ मत कहो, ये लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखो जिस तरीके से तुमने कह दिया कि आंखों में से काजल निकालना जानते हैं, तो ऐसे तुम्हारे घर का हाल है कि तुम्हारे सामने से कौन तुम्हारी आंखों से सामने काजल निकाल लेता हो, तुम्हें पता नहीं चलता होगा। लेकिन देखो मैं यहाँ पे गीतों गजलों पर नहीं आई हूँ, मैं चाहती हूँ फालतूपन की कोई बात ना करूँ, मैं इनकी हर हर बात का जवाब। मैं भी उदाहरण नहीं रखता, ये गलत बात है। अपने सीताबाड़ी वालों को अपना बना करके भी जो मेरे खिलाफ कर रहे हो ना, और मेरे को उल्लू बना रहे हो, इनको भी बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ज्यादा प्यार मोहब्बत की इनकी अपनापन भी मत दिखाओ इनसे, नहीं तो ये पट्टे वो चालू हैं, तुम्हारा बामाशा गाड़ी यहीं का बनवा देंगे। जो कुछ भी इन्होंने कहा है तो मैं इनके लिए तही कहना चाहूंगी कि हाँ ये बेवजह कर रहे शोर है, हाँ ये बेवजह कर रहे शोर है। वकील है पर मुकदमा कमजोर है, वकील है पर मुकदमा कमजोर है, पढ़े लिखे हैं जरूर पर इनको इतना भी नहीं पता कि ये जो सामने खड़ी हुई है इसका मालिक कोई और है, इसलिए इस तरीके की बातें मेरे ऊपर लागू नहीं हो सकती। मालिक कोई भी हो, मालिक कोई भी हो क्या मतलब आ रहा है? मालिक दो भी हो सकते हैं, नहीं एक प्लाट के दो मालिक नहीं होते क्या? एक ओरिजिनल एक फर्जी, भाई एक कब्जे वाला भी तो होता है, और एक वो होता है जिसके रजिस्ट्री नाम होती है, तो मालिक दो भी हो सकते हैं। तो समर्थन किया हो तो ताली बजा के बताओ ना यार। ये देखो मेरे यही समझ में नहीं आता। खैर आप लोग पूरा आनंद पूरी मस्ती के मूड में है, मैं आखिरी जवाब बहुत अच्छा उनको दिए देती हूँ और उसके बाद कुछ शेर शायरी से जोड़ती हूँ आपको। जो कुछ भी इन्होंने कहा है तो मैं इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगी, सुनिएगा। कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे लगे हो, कैसा है देश कैसा बनाने में लगे हो। एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, एक वो भी कन्हैया थे एक तुम हो कन्हैया, क्यों नाम कन्हैया कडबाने में लगे हो, क्यों नाम कन्हैया कडबाने में लगे हो।
मैं केवल चार पंक्तियों से इस आंदोलन को समाप्त करूंगा। और ये क्या है कि मैंने तो इनको अगवानी में चार पंक्तियां पढ़ करके इनको बुलाया था, इन्होंने गलत समझ लिया और मेरे खिलाफ उठपटांग उठपटांग बोलने लगी। अरे अपन भी बामण आदमी, अपन खाए को लोड ले, अपन ने भी जवाब दिया। नहीं तो भाई साहब सीताबाड़ी वालों, ओरिजिनल बात तो ये है, उधर तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, नायब साहब सब बैठे हैं, ओरिजिनल बात क्या है साबिया जी? ताज क्या है, अजंता की मूर्त क्या है? सुनना, ताज क्या है, अजंता की मूर्त क्या है? हम न देखें तो तुम्हारी सूरत क्या है? और जो रोज खाता हो काजू तले हुए, उसे बासी मूंगफली की जरूरत क्या है? अब आंदोलन समाप्त। पूरे मजे ले रहे हैं, ये बताओ जवाब चाहते हो कि सीधे सीधे शेर सुनना चाहते हैं? मुझे सिर्फ आप बताएंगे तो जवाब दूंगी, वरना मैं जवाब नहीं दूंगी। क्या चाहते हैं? पूरा सदन ताली बजा के बताओ तो जवाब दूंगी, वरना मैं जवाब को नहीं। कविता पढ़ो ना, आप दो रब दो। कविता तो मैं पढ़ना जा रही, पढ़ना शुरू कर रही था, मगर तुम पढ़ने दोगे तब ना। जो कुछ भी इन्होंने कहा है तो देखो, मैं फिर एक आखिरी जवाब इनको समर्पित कर ही देती हूँ। उसके बाद जो भी गीत गजलें होंगी वो आपको सुनाने की कोशिश करूंगी, सुनेगा। चाहे जलती रहे तलवार, चाहे जलती रहे तलवार, आ रब्बा बना बाबा। चाहे जलती रहे तलवार, आ रब्बा बना बाबा। सच कहूंगी मैं हर बार, आ रब्बा बना बाबा। चलते फिरते को टोकते हैं औकात, मैं इनकी जानती हूँ, मैं खूब इन्हें पहचानती हूँ। है टीवी के बीमार, है टीवी के बीमार, आरा रब्बा बना बाबा। चाहे चलती रहे तलवार, आरा रब्बा बना बाबा।